हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राना ममता व्लॉग। और ये मैं आज काफ़ी टाइम के बाद अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये मैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं बाकी लोग सो ही रहे हैं अभी। तो सुबह मैं फ्रेश वगैरह होके यहाँ पे वार्म वाटर पी रही हूँ। तो ये हमारा डेली का रूटीन है, तो ये भी हो रहा है। उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे और उसमें अभी स्कूल तो आज है नहीं, बट स्कूल में उसके कुछ फंक्शंस हैं तो आज हम वहाँ जाएंगे। और तो इसलिए सुबह सारी जो भी तैयारियाँ हैं वो करना है। तो कुछ चलिए आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो गाइज़, आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे की सब्ज़ी, मतलब एग करी भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर रखा है, प्याज वगैरह कट कर लिया और यहाँ पे जो अंडे है वो उबाल चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं अभी उसके जो पेल्स है वो निकाल लूँगी। और साथ ही साथ फिर मुझे आज बनाना है ढक्कन डब्बा। हमारे झारखंड में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये हम आज बनाएंगे। तो उसके लिए मैं अभी चावल पीसने के लिए भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडे और साथ में मैंने कुछ आलू डाले थे वो छील लिए हैं। और ये रात को ही मैंने चावल भीगने के लिए डाल दिया था, तो वो भी मैं पीसूँगी। अभी मैंने यहाँ कढ़ाई गरम कर लिया है और साथ ही मैं अंडे को है चारों तरफ से हल्का कट लगा के उसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने कर दिया और इधर साथ ही में मैंने चावल पीसने के लिए डाल दिया है, तो उसे बिल्कुल पतला हमें पीसना है। तो उसे छोड़ देती हूँ मैं पीसने जब तक वो पीसता है। और फिर इधर मैं जो अंडा फ्राई कर चुकी हूँ उसके बाद मसाले की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल में छौंक लगाया है जीरा तेजपत्ता का, और साथ ही साथ मैं प्याज डालूँगी और इन्हें अच्छे से भूनने के बाद मसाले वगैरह फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बार पीस लिया है और जितने भी बचे हुए चावल है वो भी पीस लूँगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज हो गया है, अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालते ही हमें पहले तो नमक डालना चाहिए ताकि हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो सके। और साथ ही साथ मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो मसाले में है अदरक लहसुन मिर्च और काली मिर्च और जीरे का पेस्ट। और यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दिया है, साथ ही साथ धनिया पाउडर डाल दूँगी 2 चम्मच और साथ ही साथ मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि मसाला पीसा हुआ था उसमें भी मैंने मिर्च डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बचा हुआ चावल वगैरह सारा मैंने पीस लिया है। अब मसाले को हमें बिल्कुल अच्छे से भून लेना है जब तक वो तेल ना छोड़ ले। और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़े बहुत मटर डाल दिए हैं, तो इससे हमारी जो सब्ज़ी है वो देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत ही डिलीशियस होगा। तो यहाँ पे मम्मी सुबह सुबह मॉर्निंग चाय पी रहे हैं। मम्मी सुबह सुबह वॉक करने जाते हैं तभी आए हैं, ब्रश वगैरह करके अभी चाय पी रहे हैं और साथ ही न्यूज़ देख रहे हैं। और आते ही लग गए मम्मी यहाँ पे जो मैंने बताया था ढक्कन डब्बा बनाने वाले थे, तो ये स्पेशली ये मिट्टी के बर्तन में बहुत ही अच्छे पकते हैं। तो इसमें मैंने बनाया है, ये हमारे पास बहुत ही पुराना रखा हुआ है और इसी चीज़ के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। उधर साथ ही साथ देख सकते हैं अंडे की सब्ज़ी भी बन रही है। और ये जो होते हैं ना डिश, वो मम्मी अच्छे से पहले देख लेते हैं कि उसका जो थिकनेस है कैसा है, उसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं। तो पहले तो मम्मी अच्छे से सेट वगैरह कर देते हैं कि हाँ इसका जो थिकनेस है सही है या नहीं है, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पहले बना के निकाल ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम सारा बनाएंगे। तो अभी मम्मी पहले स्टार्टिंग में जो भी जितना हो सकता उनसे वो बना रहे, उसके बाद बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसका जो थिकनेस है वो कितना, थोड़ा पतला ही रहता है ये, तो इस तरह से इसमें डालना है। आप मैंने इसकी रेसिपी पूरी शेयर की है आप लोगों के साथ, तो उस वक्त मैंने लकड़ी के चूल्हे में बनाया था, अभी मैं यहाँ पे गैस पे बना रही हूँ। आपके पास अगर मिट्टी के बर्तन नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई में बना सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हाँ, साथ में उसमें फिर डालते ही इसे ढक्कन में ढकना होता है। तो अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अगर आपके पास कटोरी, आप देख सकते हो साइड में एक कटोरी रखा है, इस टाइप के ऊंचे थोड़े कटोरी हैं तो वो उससे भी आप ढक सकते हैं, तो उससे भी आपका सही बनेगा। देख सकते हैं हर जो ये है वो फूलता है तभी अच्छा से वो अंदर से पकता है। तो ये देख सकते हैं सारा जो हमारा ढक्कन डब्बा है वो अच्छे से फूला है, इस तरह से ये बनती है। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं मसाला भून गई, मैंने इसमें अंडा और आलू डाल दिया था मैश करके और साथ में ऊपर से धनिया पत्ता डाल के ये हमारा रेसिपी रेडी है।
और यहाँ पे ये भी बनके तैयार हो गया है, तो हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और इसे आप दूध के साथ भी खा सकते हैं। इसे दूध में चीनी डाल के अच्छे से उबाल लें और फिर इसे खाएं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, तो वो भी हम खाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्रिसमस सेलिब्रेशन है, क्रिसमस मेला भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स रिलेटिव जो भी है वो सबको बुलाया गया है। तो अभी हम देख सकते हैं रेडी हो गए हैं और अभी हम वहाँ जाएंगे, आपको भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे क्या है कैसे वहाँ पे हो रहा है। तो मेरे वीडियो में तो गाइस जहाँ उसके स्कूल पहुँच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डेकोरेशन वगैरह हो रखा है। और ये जो छोटा सा बच्चा है यहाँ पे स्टेज शो कुछ सॉन्ग वगैरह गा रहे हैं। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो बाहर का एरिया है उसे सजाया गया है। और यहाँ पे खाने पीने के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके लोगों को सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों को सेंटा बना के रखा था, तो उसके साथ दीपांशु फोटोशूट वीडियो वगैरह ले रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे गेम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो ये देख सकते हैं ये नीचे की एरियाज है, और ऊपर की एरिया में पूरा में मतलब गेम्स वगैरह रख रखा था ताकि बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर सके। नीचे पूरा खाने पीने का स्टॉल वगैरह लगाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रोल द बॉल, तो इसमें जो आप होल देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे दो बॉल्स दिए जाएंगे और उसे उस हॉल में डालना है। बट दीपांशु ने ट्राई किया, नहीं हो पाया, बट कोई भी बच्चे यहाँ पर इंजॉय करने गए हैं। तो यहाँ पे जो मतलब गेम को पूरा कर रहा था फिर उसे कुछ कूपन मिल रहे थे, जो कूपन मिल रहा था उसे गिफ्ट भी मिल रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो कर नहीं पाया, कोई नहीं, बहुत सारे गेम थे और भी किया। यहाँ पे देख सकते हैं डांस वगैरह हो रहा है, बच्चे प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। गाइज हमने यहाँ पे दीपांशु के लिए फ्रेंच फ्राई लिया है और साथ ही मोमोज लिए हैं, क्योंकि दीपांशु कुछ भी वैसा नहीं खाता है बाहर का उतना, तो ये उसे फ्रेंच फ्राई बहुत पसंद है, तो ये वहाँ ये उसके लिए लिया है हमने। तो ये अभी वो खाएगा, हम लोग भी इंजॉय करेंगे साथ ही साथ यहाँ का फूड जो भी है। और देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे फूड काउंटर लगे हुए हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं फूड काउंटर। और यहाँ पे फिर हम आ गए हैं गेम खेलने, तो पीछे देख सकते हैं तंबोला गेम। इसमें क्या होता है कि नंबर्स लिखे होते हैं, वो नंबर्स बोलते हैं कट करना होता है। और साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे ग्लास वाले गेम्स खेले, पहले नीचे 6 डालने थे, 5 4 3 2 1 इस तरह करके, और इसका टाइमिंग था 30 सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चे बड़े सभी इंजॉय कर सकते थे। तो ये गेम फाइनली हमने जीत गया था, तो फिर दीपांशु को उससे गिफ्ट मिला। फिर ये दीपांशु ने भी खेला, तो इसमें भी उसने विन किया। तो इस तरह से गेम वगैरह इंजॉय किया उसने भी, हमने भी। तो गाइज इसी तरह से बहुत सारे गेम्स थे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ऐसा नहीं था, सिर्फ बच्चे खेल सकते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह का गेम था, तो ये सब बच्चे और बड़े इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो गाइज इसके बाद फिर हम नीचे आ गए, और फिर अब क्या था कि सब चीज़ इंजॉय कर चुके थे, प्रोग्राम वगैरह भी बहुत टाइम तक चलने वाला था, तो बस अब हम यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि हमने गेम्स वगैरह भी सारे खेले थे, प्रोग्राम्स वगैरह भी बहुत सारे देख रखे थे। दिखाओ अच्छे से। अरे ये तो छोटी सा टेडी बियर है। अरे जब ये भर जाते हैं तो इसे खोलकर निकाल देते हैं, देखिए। अरे वाह, और क्या मिला?
और एक पेन मिला है। दिखा दिखो गेम में जीता है दीपांशु एक पेन और शार्पनर, वो बहुत क्यूट सा शार्पनर है ना। एक बैग बना है ये स्कूल जा रहा है बैग पहन के। कैसा लगा मिला? बहुत अच्छा। मजा आया। तो गाइस उसके बाद हम थोड़ा धूप सेकने के लिए छत पे आ गए, काफ़ी ठंड मतलब बढ़ गया है। तो अभी यहाँ पे हम छत पे आ गए और दीपांशु और उसके डैडी गन्ना खा रहे हैं अभी। तो दीपांशु को छिल छिल के देना पड़ता है तो अभी वही उन्हें दे रहे हैं और वो खा रहा है। तो थोड़ी देर हम धूप में बैठे, पीछे देख सकते हैं पौधे वगैरह लगे हुए हैं। अभी जो है धूप में बैठे हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे, देखेंगे आज क्या करेंगे आज। हाँ आपको मैं बता दूँ कि मेरे जो देवर हैं वो गांव जाने वाले हैं, तो वही कुछ पकाना वकाना है, खाना वाना तो वो पकाएंगे। और उसके बाद आज का पूरा दिन बस ऐसे ही जाता है हमारा। यहाँ पे दीपांशु नीचे आके अपने टॉयज पूरा फैला रखा है और बस उसके साथ खेल रहा है। तो इसका चलो ये ठीक है कि अपना खुद घर पे टॉयज से खेल लेता है। और यहाँ पे दोनों भाई खाना खा रहे हैं, खाने में बना है मटन चावल, क्योंकि प्रदीप को जाना था गांव तो पापा आज सुबह ही लेके आ गए थे, अदरवाइज़ हमारे घर में शाम को आता है और रात में बनाते हैं, तो आज दिन में ही आया था तो यहाँ बन गया है ताकि वो जाएँ तो पहले खा लें। और यहाँ पे हम शाम की जो चाय है वो इंजॉय कर रहे हैं। तभी यहाँ पे शाम की चाय चल रही है, ठंड में तो सुबह शाम चाय अच्छी लगती है, तभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं टी टाइम। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं प्रदीप की रात की ट्रेन थी तो वो अब यहाँ पे निकल रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ जो है अपना आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। और यहाँ पे दीपांशु शाम को परेशान कर रहे, मुझे पॉपकॉर्न खानी है। तो ये मेरे गाँव के कुछ रखे हुए थे दाने, तो मैं उसी का पॉपकॉर्न, यहाँ पर नमक मेरा यूज है पहले से, तो उसी नमक में मैं ये थोड़ा सा पॉपकॉर्न उसके लिए बना दे रही हूँ। ये पूरा फूटता तो नहीं है बट इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो गाइस इसी तरह का व्लॉग मैं कोशिश करूँगी आगे भी लेके आते रहूँ अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।